हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश में आज हम टॉपिक देखेंगे ग्रामर में द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? वो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं कि वो नाउन है वो उसके बारे में वो कौन सा है, प्रोनाउन है तो वो कैसा है वो बताते हैं। चलो देखते हैं एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव टेल्स सम क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन के बारे में देखा था हम लोगों ने, देखा था ना, नाउन में क्या था? कोई भी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, कोई भी थिंग था। और प्रोनाउन क्या है? तो देखो प्रोनाउन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि नाउन दिया है शीतल, तो शीतल है वो कहाँ पे, कौन से कैटेगरी में आएगी? वो गर्ल में आएगी। गर्ल में आते हैं तो वो आएगा सी, बॉय है तो आएगा ही, और कोई एनी थिंग है तो आएगा इट, उसे बोलते हैं प्रोनाउन। देखो एडजेक्टिव के अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल वन, ही इज अ पुअर मैन। देखो ही है वो क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि कोई बॉय का स्पेसिफिक नेम यहाँ पे दिया नहीं है, इसीलिए क्या दिया है, ही। ही इज अ पुअर मैन। देखो सिंपली कैसे सेंटेंस बनेगा, ही इज अ मैन बनता है वैसे, पर यहाँ पे एडजेक्टिव ऐड किया है, वो मैन की क्वालिटी बताई है। कौन सी बताई है क्वालिटी? पुअर, कि वो कैसा है, गरीब है, वो गरीब मैन है। ओके देखो अब वैसे ही सेकंड, आई वॉन्ट सम कोल्ड वाटर। ओके यहाँ पे एडजेक्टिव क्या बताया है, कोल्ड, यानी कि कैसा वाटर चाहिए उसे। आप वैसे भी बोल सकते हो आई वॉन्ट सम वाटर, इट्स अ सिंपल सेंटेंस, बट वी एड नाउ हियर कोल्ड, सो कोल्ड इज एन एडजेक्टिव। ओके कोल्ड यानी कि मुझे पानी चाहिए, ऐसा बोल सकते हो, पर इसमें क्या है, मुझे ठंडा पानी चाहिए। आप उसका ऑपोजिट आई वॉन्ट सम हॉट वाटर भी ले सकते हो, हॉट यानी कि गर्म पानी चाहिए, समझ में आता है। हॉट, कोल्ड, पुअर, रिच, ब्यूटीफुल, वो सब क्या है, एडजेक्टिव है। हियर पुअर एंड कोल्ड आर एडजेक्टिव्स, ये जो दो सेंटेंस है उसमें क्या एडजेक्टिव है, पुअर और कोल्ड। चलो नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की कंपैरिजन आप लोग सेंटेंस में कैसे करोगे उसके बारे में। देर आर थ्री डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कितनी डिग्रीज में कंपैरिजन करेंगे हम एडजेक्टिव में? थ्री, यानी कि तीन टाइप में। देखो फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव एंड थर्ड सुपरलेटिव। चलो पहले पॉजिटिव डिग्री के बारे में देखते हैं। देखो नंबर वन पॉजिटिव डिग्री, ओके उसकी डेफिनेशन क्या है देखते हैं। द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव इज कॉल्ड द पॉजिटिव डिग्री। देखो ऑर्डिनरी फॉर्म मतलब कि जैसा हमने यहाँ पे देखा पुअर मैन के बारे में कोल्ड वाटर, वैसे ही ऑर्डिनरी फॉर्म जो मेन बेस है एडजेक्टिव का उसे बोलते हैं हम पॉजिटिव डिग्री। एग्जाम्पल गोविंद इज अ शॉर्ट बॉय, मतलब कि गोविंद कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, शॉर्ट है। ओके सेकंड ही इज अ गुड प्लेयर, मतलब कि वो अच्छा खिलाड़ी है। चलो नेक्स्ट कंपेरेटिव डिग्री। ओके देखो नेम से ही पता चल जाएगा कंपेरेटिव, यानी कि इसमें क्या होगा, कंपेरिजन होगी। वेन टू थिंग्स ऑफ द सेम क्लास आर कंपेयर्ड वी यूज द कंपेरेटिव डिग्री। देखो क्या करना है, दो चीज़ है सेम क्लास की ही है उसकी कंपेरिजन करना है। चलो एग्जाम्पल में देखते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फर्स्ट सीमा इज टोलर देन रिया। देखो इसमें किसका बताया है, टोलर। ओके तो सीमा और रिया दोनों थिंग्स की जगह पे लिया है यहाँ पे नाउन, दोनों के दोनों सीमा है वो रिया से टोलर है, ऐसा बताया है यहाँ पे। देखो सेम क्लास है ना दोनों, सीमा और रिया, और कंपैरिजन कैसी, कौन सी कंपैरिजन की है,
टोलर यानी कि हाइट की। सेकंड, क्रिस इज अ बेटर प्लेयर देन सोहम। देखो यहाँ पे दो बॉय की कंपैरिजन की है, क्रिस और सोहम की, ओके। और किस में? प्लेयर्स में। क्रिस है वो बेटर प्लेयर यानी कि अच्छा खेल सकता है किस से? सोहम से। क्रिस इज अ बेटर प्लेयर देन सोहम। समझ में आया? यहाँ पे आप लोगों का मेन फॉर्म नहीं आएगा, सीमा इज टोल देन रिया ऐसा आएगा नहीं, यहाँ पे कंपेरेटिव है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सुपरलेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के तीनों डिग्री फॉर्म्स के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे उसका कंपेरेटिव डिग्री का फॉर्म आएगा, ये गलत है। सीमा इज टोल देन रिया इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस, सो वी हैव टू यूज सीमा इज टोलर देन रिया। समझ में आता है? चलो, नॉट देखो यहाँ पे आप लोगों ने कुछ नोट किया, देखो यहाँ पे नोट, कंपेरेटिव्स टेक देन आफ्टर देम। देखो कंपेरेटिव में क्या यूज होगा? देन यूज होगा। देखो यहाँ पे भी देन है और यहाँ पे भी देन है ना। देखो टोलर आ गया, मतलब कि डिग्री फॉर्म आ जाए उसके बाद में आप लोगों को यूज करना है देन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट नंबर 3, सुपरलेटिव डिग्री। चलो इसमें देखते हैं क्या है। व्हेन वन थिंग इज कंपेयर्ड विथ ऑल अदर थिंग्स ऑफ द सेम क्लास वी यूज द सुपरलेटिव डिग्री। देखो यहाँ पे क्या था, कंपेरेटिव डिग्री में दो थिंग्स की कंपेरिजन होती थी, यहाँ पे क्या है, एक थिंग की कंपेरिजन बाकी सब के साथ, ऑल अदर थिंग्स के साथ। वो कैसे होने चाहिए? सेम क्लास के। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 1, राम इज द बेस्ट प्लेयर इन अवर टीम। देखो किसके बारे में बताया है? राम यानी कि वन थिंग में आएगा, राम की कंपैरिजन टीम के सभी प्लेयर के साथ की है कि देखो राम इज द बेस्ट प्लेयर इन अवर टीम, कि राम है वो अच्छा खिलाड़ी है हमारी टीम में, हमारी टीम का अच्छा खिलाड़ी कौन है? राम है, ऐसा बताया है इसमें। तो देखो अवर टीम में सिर्फ एक या दो खिलाड़ी तो होंगे नहीं, यहाँ पे देखो दो ही है, सीमा और रिया थे, यहाँ पे क्रिस और सोहम थे, कि देखो क्रिस है वो सोहम से अच्छा खेल सकता है, ऐसा है। सिर्फ सोहम के बारे में कंपेरिजन की थी, सुपरलेटिव में क्या किया? अवर टीम यानी कि बाकी सारे खिलाड़ी के साथ कंपेरिजन की है, यहाँ पे सुपरलेटिव का डिग्री फॉर्म आएगा। सेकेंड, क्रिया इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन हर फैमिली। क्या बोला है? क्रिया है वो उसकी फैमिली की सबसे सुंदर लड़की है, ऐसा बोला है यहाँ पे। देखो यहाँ पे भी आपको सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म यूज करना है, सिर्फ कैसे बोलेंगे? क्रिया इज द ब्यूटीफुल गर्ल, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डिग्री। देन नेक्स्ट वन, क्रिया इज द मोर ब्यूटीफुल देन सिया, या तो फिर उसकी फैमिली का किसी का भी नेम ले सकते हो। और यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में क्या बोला है? क्रिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर फैमिली, मतलब कि उसकी फैमिली की जो भी वुमेन है उसके साथ कंपैरिजन की है सिर्फ और सिर्फ क्रिया की। समझ में आए? यानी कि तीनों डिग्री का एग्जाम्पल इसमें बनाकर दिखा रही हूँ। देखो क्रिया इज ब्यूटीफुल गर्ल, इट्स अ पॉजिटिव डिग्री। देन नेक्स्ट वन, क्रिया इज मोर ब्यूटीफुल देन सिया, यानी कि धेन आया, किसी भी गर्ल का नेम ले सकते हो आप। एंड नेक्स्ट, क्रिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर फैमिली। यहाँ पे आप लोगों ने कुछ नोट किया? यस, यहाँ पे क्या है? द है द, बट बिफोर द सुपरलेटिव है ना। देखो सुपरलेटिव के पहले दिया है, पीछे दिया नहीं है, दियो यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा है, सुपरलेटिव्स टेक द बिफोर देम। और कंपेरेटिव में कहाँ पे आता था? देन पीछे आता था, सुपरलेटिव में द आगे आता है। आई होप यू अंडरस्टैंड
degree and types of degree, positive degree, comparative degree and superlative degree. Thank you.